नमस्कार आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे मैं अश्विनी कुमार सिंह आज के मेहमान हैं सुमित सर बाबा और पुनिंदु जी आप सभी का स्वागत है आज का विषय है हमारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नाना करते करते प्यार हम कर बैठे वही <laughs> वाली बात आज साबित हुई है कि पहले नाना करते थे और अब आज मुहर लग गई कि दोनों पार्टियों का अलायंस होगा और हो रहा है और घोषणा भी हो गई सत्रह सीट और बासठ और एक सीट दी गई है आजाद पार्टी को आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधन है अब इस गठबंधन के पास इतनी ताकत है कि जो भाजपा का विजय रथ है उसको रोक पाएगी ये अस्सी का जो टारगेट है उनका हमको पंडित मान के चल रहे हो कि हम हम ज्योतिष हैं सबसे मुश्किल सवाल कितना हंसते हुए हाँ। हाँ। क्या आप हैं अपने देखिए छोड़ दिया <laughs> अब आप जानो आप लोग आपस में बोलते रहो देखो कम से कम एक चीज हमको दिखती है इसमें इस पूरे प्रोसेस में वो ये कि अब कोई लड़ते हुए दिखेगा अभी तक जिससे लड़ाई थी वो बिखरा हुआ था बहुत कि छिदराया हुआ है बीजेपी की एक तरफा जीत चल रही थी हम लोग इस माहौल की बात भी कर रहे थे हालांकि अभी भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है बसपा चुनाव लड़ेगी बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है और भी छोटी छोटी पार्टियाँ अलग अलग रीजन में आएंगी तो ऐसे में कम से कम एक जब जहाँ पर स्ट्रॉग होल्ड्स हैं खासकर सपा के जो यादव बेल्ट है मुस्लिम बेल्ट है पश्चिमी यूपी की और कुछ सीटें पूर्वी यूपी की आजमगढ़ जैसी सीटें उस इलाके में वहाँ पर मजबूती के साथ मुकाबला होगा बीजेपी जो चौसठ का ख्वाब देख रही थी कि अस्सी पर पहुंच जाएगी या चौहत्तर पर पहुंच जाएगी जब बाबा ने कल परसों कहा था कि चौहत्तर तो हो ही जाएगा उनका मुझे ऐसा लगता है कि अब उसमें चुनौती आएगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी से वो लोग सीट सीट लेंगे या बीजेपी नहीं जीतेगी पर मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को अब मेहनत करनी पड़ेगी अब काम आसान नहीं बचा है और दूसरी बात ये कि जो वोट बैंक है अखिलेश यादव का और कांग्रेस का कांग्रेस के साथ मोटे तौर पर मुसलमान इस देश में एक पीछे लामबंद करता हुआ दिखता है दिख रहा है Uh, सपा की ताकत भी मुस्लिम वोट बैंक है कांग्रेस की ताकत भी मुस्लिम वोट बैंक है और ये राहुल गांधी की यात्राओं ने इसको और कंसोलिडेट किया है उनके पीछे कि कम से कम एक लड़का है एक पॉलिटिशियन है जो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अब इसको इसको कैपिटलाइज करना है एक एक अच्छी जमीन तैयार हो गई है उसको वो कैसे भुना पाते हैं ये आगे के कैंपेन पर और कैंपेन कितना सकारात्मक होगा मैं फिर बोल रहा हूँ कैंपेन को पॉजिटिव होना जरूरी है मोदी हटाओ इज नो कैंपेन आप आप क्या पेश करने वाले हैं आप जब सत्ता में आएंगे तो आप क्या देने वाले हैं क्या जनता क्यों आपको वोट करे ये आपको समझाना पड़ेगा एक जैसा कि सुमित ने कहा एक अल्टरनेटिव प्रोग्राम आपको देना होगा केवल आप कुछ गाली गलौज करके आप इसको निगेटिविटी करके नहीं कर सकते एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक शुरुआत हुई है जैसा कि आपने भी कहा नाना करते हुए प्यार कर बैठे तो ये प्यार होने में बहुत देर लग गई और इस प्यार को करवाने में प्रियंका गांधी का काफ़ी बड़ा रोल है कभी हाँ हुई थी कभी ना हुई थी उसके बाद बात आके मुरादाबाद सीट पे अटक गई थी मुरादाबाद सीट जो समाजवादी पार्टी की सीटिंग सीट थे वो छोड़ नहीं सकते हैं वो मुस्लिम प्रतीकात्मक सीट है मुस्लिम हाँ हसन हाँ, साहब की सीट है वो प्रतीकात्मक सीट थी समाजवादी पार्टी के लिए तो कांग्रेस मांग रही थी ये कहते हुए कि हमें दे दीजिए क्योंकि एक स्थानीय निकाय चुनाव में वहाँ एक लड़के को एक लाख वोट आ गया वहाँ पर वहाँ पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई थी तो वो कह रही थी बाद में ये भी कह रही थी कि अजरुद्दीन भी वहाँ पर जीते हुए इन सब चीज़ों को करके वो सीट वो दावा कर रहे थे हालांकि जो है अखिलेश यादव ने वो अपना स्टैंड पे वो कायम रहे बोले कि ये सीट हम नहीं छोड़ सकते ये सीट छोड़ देंगे तो हमारी पूरी राजनीतिक जो है जो राजनीति के लिए हम जाने जाते हैं मुस्लिम यादव और वो हमारे पर एक सवाल या निशान लग जाएगा अब चलिए किसी तरह प्रियंका गांधी ने इंटरवीन करके ये बोल अब सत्रह सीट मिल गई है अब सत्रह सीटों का विश्लेषण बड़ा मुझे देख के लगता है कि आप लो बड़े लोग बड़े ज्ञानी लोग हैं रायबरेली अमेठी कौन लड़ेगा दो सबसे बड़ा सवाल है क्या गांधी परिवार से कोई लड़ेगा रायबरेली है अमेठी कौन लड़ेगा क्या राहुल गांधी जाएंगे अमेठी क्या फिर दो जगह से लड़ेंगे कानपुर अब जायसवाल साहब की तबीयत कैसी है हमें मालूम नहीं ये फ़तेहपुर सीकरी है भुँ ये भुँ भुँ कपूर है वो अजय कपूर है अजय कपूर सीट है ये फतेहपुर सीकरी वाली सीट है मुझे लगता है ये जो सीट है ये वो है ये आप यहाँ पे कहा जा रहा है सलमान खुर्शीद की बात हो रही है जो फरूखाबाद जो समाप्त सपा नहीं दिया ये जो है फतेहपुर सिकरी या तो या राजब्बर लड़े या फिर सलमान खुर्शीद लड़े ये बात कही जा रही है सहारनपुर आपको मा, 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 मालूम है इमरान मसूद वो सीट लड़ेंगे प्रयागराज आपका घर है आप बताएंगे महाराजगंज में बता सकता हूँ कि जो जो श्री नेत है सुप्रिया के नेता का वो अनुग्रह नारायण सिंह जो विधायक होते थे अभी फिलहाल अभी वो नहीं है विधायक हार गए थे उनकी जो विधानसभा सीट है ना वो फूलपुर लोकसभा में आती है खास बात यह है तो महाराजगंज से जो है वो श्रीनेत लड़ेंगी जो कि प्रवक्ता है वो उनके पिताजी एक बार जीते हुए वहाँ से मतलब दो, दो अलग अलग उससे जीते हुए पिछली बार लड़ी थी ना सुप्रिया जी, जी हाँ सुप्रिया पिछले बार भी लड़ी बनारस जो है जो लड़ी थी लड़ी थी बुरी तरह हारी थी बनारस की सीट जो है वो अजय राय लड़ेंगे अमरोहा जो है दानिश अली लड़ेंगे झांसी जो है वो जो पहले भी यहाँ से झांसी से प्रदीप जैन आदित्य लड़ेंगे मिनिस्टर भी रह चुके हैं बुलंदशहर गाजियाबाद मथुरा मथुरा पे कौन लड़ेगा यहाँ पर मुझे मालूम नहीं बाराबंकी देवरिया देवरिया मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश प्रताप सिंह जो कि रुद्रपुर से बंकी आप मुझे लगता है बाराबंकी बारा 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 सीतापुर से कैसर जहाँ बसपा से कांग्रेस में आई थी और

बाबा ने तो एक एक सीट का विश्लेषण कर दिया है अगर आंकड़ों की बात हम करें उस ढंग से अगर इन सत्रह सीटों को देखें कि यहाँ पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस क्या रहा है खासकर मतलब ये भी तो समझने की ज़रूरत है कि भाई जो ये दोस्ती है वो सपा ने वो सीटें दी वो कौन सी सीटें हैं तो दो सीटें तो हमें भी पता है रायबरेली और अमेठी ये कांग्रेस का गढ़ रही हैं हालांकि अमेठी का गढ़ किला टूट गया लेकिन बाबा ने ऐसा बताया कि भैया अब अब राहुल गांधी शायद वहाँ लड़ेंगे नहीं अमेठी में और रायबरेली में सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब है हालांकि अगर हम उनके लेटर की बात करें तो आखिरी की जो दो लाइनें हैं वो, वो थोड़ा इशारा इंडिकर्टीव है बिटवीन द लाइन अगर हम पढ़ें तो एक इशारा है हो सकता है।, भी आपका हो, उन्होंने मांगा है मांगा है परिवार के हिसाब से अब जयसवाल साहब की उम्र काफी हो गई है कानपुर में तो वो है और हालांकि चौदह और उन्नीस में कांग्रेस वहाँ दूसरे नंबर पर थी लेकिन अंतर ठीक ठाक था फतेहपुर सीकरी में मैं कहूँगा कि उस हिसाब से कांग्रेस की का क्लेम स्पेस ले भी बनता था क्योंकि सपा बसपा अलायंस के बावजूद भी 2019 में कांग्रेस यहाँ नंबर टू पे थी तो राजबब्बर का अपना एक करश्मा है मैं बाबा इसमें मानता हूँ कि सलमान खुर्शीद यहाँ पर अच्छे प्रत्याशी नहीं होंगे क्योंकि कास्ट कॉम्बिनेशन भी यहाँ उनका उस ढंग से नहीं है और राज बब्बर यहाँ पे ठीक है कभी जीते नहीं लेकिन आ, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा अच्छा रहा वो, 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 पहले रहा। वो आगरा से सांसद भी रहे हैं बाद में आगरा सुरक्षित सीट हो गई तो फतेहपुर सीकरी शिफ्ट हुई और इस एरिया में उनका एक बार उन्होंने टेम्पल यादव को भी उपचुनाव में हराया हुआ है तो पकड़ है उनकी अच्छा एक सीट है बांसगांव कांग्रेस के एक दिग्गज नेता दलित नेता हुआ करते थे महावीर प्रसाद जो बाद में राज्यपाल भी हुए अब दो में ये जीती थी उसके बाद से कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ काफ़ी ख़राब रहा है अगर 2019 में तो लड़ी भी नहीं थी 2014 में कांग्रेस को यहाँ 6 परसेंट वोट मिले थे तो उस हिसाब से बहुत स्ट्रांग सीट है नहीं मुझे लगता है अब जो इलाहाबाद सीट की बात हो रही है बाबा प्रयागराज जिसका नाम तो बदल दिया गया है पता नहीं लोकसभा में मुझे लगता है अभी नाम तो इलाहाबाद ही रहेगा वहाँ पर ये कांग्रेस बहुत स्ट्रांग रही नहीं है अब वो शास्त्री जी और नेहरू जी का ज़माना आप छोड़ दें उन्नीस में अमिताभ बच्चन जीते उसके बाद तो कांग्रेस जीती नहीं वहाँ पर और समाजवादी पार्टी ने बल्कि यहाँ पर रेवती रमन सिंह बहुत दिग्गज नेता बड़े नेता जो कि खुद बाईकास भूमिहार है जो कि भूमिहार इस लोकसभा में उनकी संख्या नहीं थी लेकिन जो इलाहाबाद में बाबा अगर आप उधर आपका वो होगा जो जो जमुना पार का इलाका है उधर आने वाली विधानसभाओं में इनकी मजबूत पकड़ थी तो उन्होंने 2004 के चुनाव में मुरली मनोहर जोशी को हराया मुरली मनोहर जोशी उस समय मानव संसाधन मंत्री थे और हारे उसके बाद वो सीट बदल कर वाराणसी चले गए 2009 में उसके बाद ये 2009 में भी इन्होंने चुनाव जीता तो समाजवादी पार्टी का क्लेम मुझे लगता है सीट पर है पता नहीं कैसे वो कांग्रेस को देने की बात हो रही है बाकी जो वाराणसी में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस दो में तीसरे नंबर पर ही थी सपा दूसरे पर थी महाराजगंज में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था शुक्रिया सीनेत लड़ी थी छः फीसदी वोट उनको मिले थे छ तीसरे नंबर पर थी अमरोहा की सीट भी कांग्रेस चौरासी के बाद नहीं जीती लेकिन चूंकि उनकी बात हो रही कुंवर की जीते थे। नहीं, नहीं अमरोहा अच्छा एक बार वो चेक करना होगा अगर वो है ऐसा तो लेकिन फिलहाल उनका परफॉर्मेंस बीच जैसे 2019 में तो कांग्रेस को सिर्फ एक फीसदी वोट मिला 1.1 परसेंट लेकिन कुंवर दानिश अली कुंवर दानिश अली चूंकि बसपा छोड़ के आए हैं तो वो क्लेम उनका एक बनता है झांसी की बात बाबा ने बताई थी बुलंदशहर पे भी कांग्रेस चौरासी के बाद कभी जीती नहीं है उन्नीस में 2.6 परसेंट वोट थे तो कुल मिला की बात आती है कि फिर ये नंबर्स में हम देख रहे हैं तो कांग्रेस बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन जैसा सुमित सर ने कहा कि एक जो परसेप्शन की बात होती है और एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस और लोकसभा का चुनाव है हम देखते हैं कई बार विधानसभा और लोकसभा में दो अलग तरह से वोटिंग होती है जैसे कि कांग्रेस का विधानसभा में परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने चौंका दिया था 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को खासकर बाबा का बड़ा इंटरेस्ट रहता है दो हज़ार के आंकड़े में कांग्रेस को 21 सीटें मिले और 18 फीसदी वोट मिले राहुल गांधी का कद बड़ा हुआ था 2009 के चुनाव में खासकर यूपी की वजह से क्योंकि यूपी में राहुल गांधी ने बहुत दौरा किया था झांसी और ऐसे तमाम सीटें कांग्रेस ने बहुत दिनों बाद जीती थी जिसपे माना जाता था कि उनके दौरे का मनरेगा का खासकर मनरेगा की एक बड़ी चर्चा होती थी तो अब ये है कि परसेप्शन के तौर पर ये अलायंस कैसे काम करेगा खासकर जो माइनॉरिटी चूंकि उन्नीस फीसदी वोट है और आ, ये एक डर रहा है सपा को कि बसपा कहीं माइनॉरिटी वोट में ना डेंट करे जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले तो कांग्रेस के साथ आने से वो एक क्योंकि कांग्रेस के पास भी कई बड़े चेहरे हैं माइनॉरिटीज़ के और सपा के पास तो खैर है ही हैं तो अब ये है कि हाथ मिलाया है दिल कैसे मिलेगा और सपा की संगठनिक ताकत और कांग्रेस का एक जो चेहरा है कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल प्रियंका सोनिया Uh, क्योंकि यूपी से इनका एक नाता रहा है तो उसको कैसे ये गठबंधन यूज़ करता है कैसे ही रणनीतिक तौर पे खासकर उन सीटों को आइडेंटिफाई करके जहां ये जीत सकते हैं अस्सी के अस्सी तो उतने मजबूत तो हैं नहीं लेकिन जहां पर जीतने के चांस है इनको बेहतर होगा कि उस पर कोशिश करें और उनको जीतने की कोशिश करें देख, 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 देख। फोकस जो है वो क्लियर रहना चाहिए। हाँ, और, और एक और जानकारी देता हूँ समाजवादी पार्टी ने आज जो है खजुराहो की सीट भी अनाउंस कर दी है मध्य प्रदेश में खजुराहो से मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा जी वो वहाँ से जीत जीतते हैं अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश की ये सीट अखिलेश होगा नहीं अखिलेश अखिलेश वाले जो हैं वो कमल कमल जो है वो

इक्कीस से आंकड़ा दो पे आया दो के आंकड़ा एक पे आ गया वैसे ही विधानसभा में है विधानसभा में बाईस अट्ठाईस सात और दो मतलब बाईस दो हज़ार सात में था फिर आगे बारह सत्रह और हम बाईस की बात करें धीरे धीरे ग्राफ गिरता जा रहा है आप गठबंधन बनाने की बात करते हैं आपने पहले कहा नहीं होगा नहीं होगा हाँ कर लिया ग्राउंड पर क्या पब्लिक साथ है क्योंकि अगर आप देखिए अमीठी की सीट अमेठी की लोकसभा में पाँच विधानसभा सीटें जीती हैं सपा ने ठीक है तो आप अमेठी क्यों मांग रहे हैं मुझे लॉजिकली समझ में आता क्योंकि आप वहाँ जीते थे इसलिए भाई जब पांच विधानसभा उसके पास है तो वो हो सकता है लोकसभा में उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन आपसे करे तो क्यों ना कांग्रेस ऐसे गठबंधन करे जिसका कोई लॉजिकली एंड हो सिर्फ ये नहीं कि मैं मेरे दादा यहाँ से लड़ते थे तो मैं भी लड़ूंगा या लड़ूंगी सिर्फ ये सीट मांगना ये मांगने का कोई पैटर्न है ये कोई तरीका है इससे क्या जीत होगी देखिए कुछ चीज़ें भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं और अमेठी रायबरेली ऐसी ही दो सीटें हैं इनफैक्ट सुल्तानपुर भी थी कुछ साल कुछ साल पहले थी हाँ। तो ये सीटें गांधी परिवार के साथ जोड़ के हम देखते हैं और हम ही लोग होते हैं पत्रकार लोग जब वो लोग नहीं लड़ते हैं यहाँ से तो कहते हैं गांधी परिवार भाग गया गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है तो कुछ चीज़ें परसेप्शन के लेवल पे क्योंकि इमोशनल इश्यूज होते हैं और आज भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आवाम जो है दर्शक वोटर जो है वो भावनाओं पर वोट करता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते तो आप ये भागते हुए नहीं दिख सकते हैं कि आपने अमेठी रायबरेली नहीं लड़ी अब कल बाबा इंटरव्यू कर रहे थे वो अरोड़ा साहब का उन्होंने कहा कि भाई आपको राजस्थान से आने की बजाय सोनिया गांधी को यूपी, यूपी से राज्यसभा में आना चाहिए था भले उसके बदले पांच सीटें छोड़नी पड़ती हाँ। कि आपने जो सत्रह मांगी हैं आप भले ही बारह लड़ते लेकिन कहते कि आप हमको यहाँ लड़ा दो वो क्यों ऐसा कह रहे थे कि आपने यूपी से अपना कनेक्ट नहीं छोड़ा आप यूपी से कहीं ना कहीं वो चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट है को सोच के बोल रहे होंगे पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अमेठी की पाँच सीटें सपा के खाते में चली गई हैं तो हम ये छोड़ दें हम इसका इस पर लड़ाई ना लड़ें तो गलत हो जाएगा उनको लड़ना चाहिए मैं तो चाहता हूँ कि अमेठी रायबरेली दोनों पर गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग लड़ें तभी लड़ते हुए दिखेंगे अगर वो भाग गए वायनाड चले गए या चिकमगलोर चले गए या चिकलूर चले जो भी है साउथ की सीटें वहाँ चले गए तो ये सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी क्या क्यों नहीं लड़ती हुई दिखाई दे रही एक चीज़ में आपने कहा ना कि चर्चा को आगे बढ़ाते मैंने एक चीज जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाबा ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटें अनाउंस कर दी आपने कि हम सत्रह लड़ेंगे वो इतने लड़ेंगे वो इतने लड़ेंगे पर उसमें सेकंड रंग की लीडरशिप क्यों आगे आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी अखिलेश जबकि राहुल गांधी यूपी में ही है अखिलेश यादव यूपी पर के नेता है तो क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन मिले कर देते आप कल सुबह कर देते ताकि एक साथ बैठकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते तो साथ साथ अखिलेश और राहुल अभी भी क्यों नहीं आ रहे हैं क्या क्या नहीं नहीं क्या क्योंकि नेगोशिएशन प्रियंका गांधी ने कराया है क्या फैमिली के अंदर की राहुल गांधी की जिद कुछ और थी प्रियंका गांधी ने मैनेज करवा के जो जो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड अविनाश पांडे ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कि हाँ कि शुक्रिया अदा करते प्रियंका जी ने बात करी तो ये साथ साथ क्यों नहीं आ रहे इसके अंदर की कहानी क्या है दो लड़के थे ना यूपी के दो लड़के थे तो इस बार प्रियंका भी आ गई है तो अब ये बात एक बहुत वैलिड सवाल है कि क्यों नहीं थे और हम हम लोग उम्मीद कर रहे थे हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक बड़ा सा ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें दोनों लोग रहेंगे दो दो तो पार्टियों के बड़े बड़े नेता रहेंगे लेकिन यहाँ पे वो दिखाई नहीं दिया अब जैसा कि पुनिंदी ने कहा कि शायद वो जो है भारत जोरो यात्रा में वो दिखाई दे न्याय यात्रा में वो अलग बात है लेकिन उनको बाबा, एक करना याँ चाहिए याँ था पच्चीस तारीख को अखिलेश यादव यात्रा तो ज्वाइन करेंगे लेकिन आज भी उनको करना चाहिए था आज भी यूपी में 24 बाबा जो

तो लेकिन लेकिन ये बात था कि यदि तो आप अट्ठाईस का महीना है, है उन्दीस उन्दीस जो।, जो भी हो जो। तो तो इन दोनों को दिखना चाहिए था अब चलिए इस बार ये मिस कर गए तो भारत जोड़ो यात्रा में मुरादाबाद में दिखें क्योंकि एक जगह देखिए अब अब इसको इस ढंग से जो है कांग्रेस ही देखना आपको बताना शुरू करेंगे कि एक बिहार में हो गया तेजस्वी भी, भी आए उस यात्रा में जीप भी चलाई तो वहाँ पर एक एक गठबंधन नक्की है हमने उत्तर प्रदेश में भी कर लिया एक गठबंधन एक जो ट्रबुल स्टेट है महाराष्ट्र जहाँ पे कि बहुत एन डी में भी भारी दिक्कत है बीजेपी और जो सिंधे शिवसेना है उनके बीच में टसल चल रहा है वहाँ भी एक गठबंधन है वो भी फाइनल होने के स्टेज में है और नीचे साउथ में तो है ही जहाँ पर तमिलनाडु और बाकी जगह तो कांग्रेस खुश होगी कांग्रेस इस बात से ज़रूर निराश होगी कि बिहार में जो उन्होंने एक महागठबंधन बनाने की कोशिश की थी उसमें उनको सफलता हाथ नहीं लगी अभी भी मुझे लगता है कि एक जगह और यदि सोनिया गांधी अपनी कुछ भूमिका अदा करें तो आज के दिन भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में बात कुछ बन सकती है चार सीटों पे चार से चार से पाँच मुझे पाँच चार से पाँच का आंकड़ा दिया गया यदि वो इंटरव्यू रहे थे बाकी मुझे लगता अब जो है यही शॉर्टेड है अब इसी पे आगे हमें चर्चा करनी होगी यही दो देखिए कल एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि चंडीगढ़ का मेयर जो है उस मामले में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के को विजय मिली तो वो चूंकि कांग्रेस के सहयोग से जीते आज ये सपा और कांग्रेस का अलायंस घोषित हो गया तो पिछले कुछ समय से कि भाई यात्रा जहां गुजर रही थी वहां गठबंधन टूट रहा था उस उसमें ब्रेक दिल्ली लगा दिल्ली है मतलब इंडिया अलायंस के हिसाब से कुछ पॉजिटिव बात बनी है और आप बता रहे हैं दिल्ली की जानकारी देता हूँ दिल्ली में अभी उसी तरह हाना 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 हो रहा है जो एकदम ठीक यूपी में हुआ था कि नहीं हम नहीं मानेंगे वहाँ पे हो रहा है पाँच दो या चार तीन उस पर झगड़ा चल रहा है चार तीन में कहा जा रहा है कि हमें आप हरियाणा में दीजिए सीट जो कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है इसी की वजह से अटका हुआ है तो किसी दिन भी आपको या तो चार तीन मुझे तो चार तीन ही बताया गया है शायद पाँच दो भी हो लेकिन यहाँ ये यह भी करीब करीब फाइनल है सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें भी बहुत देरी हो रही है जैसा कि उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहे थे तो मुझे लगता है करीब करीब ये भी फाइनल है और ये भी फाइनल है कि पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा और कांग्रेस केवल गठबंधन करेगी तो दिल्ली में करेगी कोई हरियाणा गोवा या असम या फिर गुजरात कोई भी सीट नहीं देने वाली है गुजरात का मैं उतने पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूँ लेकिन गोवा असम और हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कोई एक, नहीं क्वेश्चन पूछिएगा मैं फिर बोल देता हूँ सवाल एक मेरा है आप दोनों लोगों से कि कांग्रेस और सपा का तो नाना करते ऐलान हो गया जो भारत रत्न देने के बाद चौधरी चरण सिंह को था कि बहुत जल्दी ऐलान हो जाएगा आर के साथ उसमें क्यों देरी हो रही है किसान आंदोलन उस उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए ना सिंपल सा बात है किसान आंदोलन हुआ और वोट का इंपैक्ट हो वो, जो होगा तो उसी तो प, जो है पूरा सब कुछ हुआ हुआ दो दिन के बाद अनाउंस होना था प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी लगे थे शायद वो भी नहीं हो रहे अभी तो सरकार भी देख रही है कि किसान आंदोलन से पहले कैसे निपटा जाए क्या सरकार एम की मांग मांग लगी तो फिर देखिएगा कि किस ढंग से जो है बाहाही हो जाएगी और उसके बाद ये घोषणा भी हो जाएगी इसलिए जो है वहाँ पर रुका हुआ और इसके साथ ही पंजाब में भी जो बीजेपी अकाली दल का गठबंधन होना है जो उस वो बात भी इसीलिए रुकी हुई है तो दोनों स्टेट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जो पॉलिटिकल गतिविधि है क्योंकि अब तो तय हो गया कि परनीत कौर लड़ेंगी पटियाला बीजेपी के टिकट पे तो उसकी भी वो, वो भी एक नक्की बीजेपी के टिकट पे टिकट पे लड़ेंगी ये भी तय कांग्रेस सस्पेंडेड में सस्पेंडेड तो मेंबर है वो मैं दो चीज कहना चाह रहा था आ, किसान आंदोलन की बात की आपने आर और बीजेपी के अलायस की बात की मैं सोचता हूँ कि जैंत चौधरी पर क्या बीत रही होगी डेढ़ साल पहले जैंत चौधरी मोर्चा खोले हुए थे लोटा हाथ में लेके और किसानों के बीच में बैठ के अब क्या, क्या क्या चीज़ें करते थे आज जैन चौधरी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्होंने यहाँ अलायंस की बात की भारत रत्न मिलने पर उसके दो दिन के बाद ये घोषणा हो गई कि किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो रहा है अभी तक भी इस वक्त जब हम हमारा बात कर रहे हैं आज की डेट में शंभू बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है बार बार कहने के बावजूद भी किसान नेताओं को समझ के रुक बिल्कुल साफ़ है कि हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं हमको एम पर गारंटी चाहिए ही चाहिए कि फसलों पर क्या सरकार एम पर गारंटी देने के अलावा जो जैसे फॉर्मूला निकाला गया कि पांच फसलों पर दे देते हैं कि ये पांच और उसमें जोड़ लीजिए क्या इससे किसान क्या क्या इससे जैन चौधरी खुश हो जाएंगे वो जैन चौधरी जो उसी बेल्ट से चुनाव लड़ने वाले हैं जिस बेल्ट के किसान तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के उससे लगा हुआ इलाका यूपी से लगा हुआ इलाका हरियाणा का पंजाब का तो ऐसे में चाहे अकाली दल हो पंजाब में चाहे ये हो आर इनको इनके लिए इनके लिए फ़ायदेमंद वही है कि जो किसान मान रहे हैं मांग रहे हैं वो एज इट इज सरकार मान ले तब तो ये कह पाएंगे कि हमारी सरकार ने आपको दे दिया इसीलिए हम आपसे वोट मांगने आए हैं वरना हालांकि अभी भी कोई सांसद नहीं है आर एल डी के पास आर एल डी तो बीजेपी के रहमो क्रम पर उनकी सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि जीतने की कोशिश करे लेकिन आ, ये जो चीज़ें ना ये बहुत बहुत टेढ़ी पेज फंस गया आगे जैन चौधरी के लिए भी और सुखबीर सिंह बादल के लिए भी इसी किसान आंदोलन पर आप छोड़ के गए थे एनडीए को और आप यही किसान आंदोलन सर पे आ गया है कहाँ है क्यों सुखबीर बादल का कोई फुटेज नहीं दिखाई दे रहा क्यों उनकी पत्नी हरसिमरत कौर जो सांसद हैं इतनी बोलती हैं आज कहाँ दिखाई नहीं दे रही जैन चौधरी कहाँ है चले गए तो ये ऐसी चीज़ें जो उस तरफ आपने कहा ना कि चुनाव का एक एक, एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इंडिया अलायंस की एक अच्छी खबर ये आ गई एक और अच्छी खबर बता देता हूँ वहाँ तमिलनाडु में कमल हसन के साथ भी अलायंस हो रहा है कमल हसन जुड़ रहे हैं इस इनकी जो उन्होंने यहाँ इंडिया ब्लॉक के साथ और कमल हसन जो भी है उनका एक स्टार पावर तो है ही मैं कमल हसन को राज ठाकरे की कैटेगरी में रखता भले जीते ना जीते लेकिन एक 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 धमक तो है आंकड़ों की आंकड़ों की बात करें तो आरएलडी को तो चौदह और उन्नीस दोनों में खाता भी नहीं खुला उन्नीस में तो भाई सपा बसपा पूरे अलायंस के साथ वो आए तब भी वो तीन सीटें लड़े एक भी नहीं जीत पाए चौदह में भी वो कांग्रेस के साथ अलायंस में तो खाता नहीं लेकिन दो हजार नौ में पांच सीटें उन्होंने जीती थी दो हजार नौ में जबकि बीजेपी का खुद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था दो, दो हज़ार नौ वो बीजेपी के साथ थे तो मुझे लगता है बीजेपी उनके लकी इसलिए शायद वो नहीं, नहीं पता तो किसान आंदोलन नहीं था ना अब किसान आंदोलन है और जैंत चौधरी जिस दिन जैंत चौधरी कैंपेन करने जाएंगे आप मान के चलिए अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं की गई नहीं। तो जो विपक्ष का आई आईटी सेल है वो तमाम तस्वीरों को वायरल करेगा जो जैंत चौधरी ने दो तो डेढ़ साल पहले दो साल पहले अपने मांग किया था इसमें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोटा लेके <laughs> लोटा लेके बैठते थे कसम खाते थे हाथ में अन्न रखते थे अन्न रख के हाँ अन्न रखते थे हाथ में अश्विन जो लाठी चार्ज हुआ था वो वीडियो लाठी चार्ज वाला वीडियो कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किस तरह से उनके समर्थकों ने उनको घेरा था वो बड़ा ही मतलब

यूपी की जहाँ तक बात रही है आपको हर एक सीट वाइज बताया कि यूपी में क्या कांग्रेस और बसपा का कनेक्शन है क्या कॉम्बिनेशन है लेकिन सवाल यही है कि दो महीने पहले आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं जो पार्टी पाँच साल से हर एक सीट पे काम कर रही है जिसके पाँच पाँच सर्वे हो चुके हैं क्या सपा और कांग्रेस इन सीटों पर अपना सर्वे करवा चुकी है क्या उसके पास उम्मीदवार हैं क्या वो भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार है या नहीं कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद